तो हम बात कर रहे हैं आज किस तरीके से आप अपने फॉर्मेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी पेज फॉर्मेटिंग। अभी मैंने कोई विजुलाइजेशन सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, ब्लैंक कैनवस एरिया, इसकी फॉर्मेट कैसे। तो देखिए यहाँ तो प्रिंट से आप वैल्यू उठा कर रखते हैं, उस हिसाब से आपके यहाँ पे चीजें आ जाती है। और इसके बगल में जो फॉर्मेट का पार्ट होता है, जो फॉर्मेट ब्रश है, ये आपका फॉर्मेट कहलाता है, राइट। आपकी पेज की इंफॉर्मेशन है, जिसके पेज के नेम है, आप नाम यहाँ से चेंज करें, पेज वन है, पेज वन के जगह पर मैं एक काम कर देता हूँ, रिपोर्ट डाल देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। क्वेरी वगैरह जिसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड कर सकते हैं, इसके हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद इसकी आता है पेज की साइज। पेज की साइज 6.9 की है, आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा लै कर सकते हैं, ठीक है, कस्टम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें इसके बाद इसकी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर डिफॉल्ट व्हाइट होता है, तो मैंने यहां पे बैकग्राउंड प्लस ब्लैक कर दिया। अब ब्लैक करने के बाद भी कलर नहीं हुआ, क्यों सर? क्योंकि अभी डेटा नहीं हमने फिल किया है। नहीं, डेटा से क्या मतलब है, एक कलर हो जाना चाहिए था ना सर। ये एक ट्रांसपेरेंसी समझते क्या होता है, कितना परसेंट ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि पीछे की चीजें कितना परसेंट दिखेगी। यहाँ पे 100% तो डिफॉल्ट होता है, मैं इसको अगर 0% करेंगे तब जाके ब्लैक होगा। सर यस सर, तो एक यही चीजें समझा रहा था आपको, ये चीज आनी चाहिए। अब मैं ट्रांसपेरेंसी ब्लैक कर दिया आपको। मान लीजिए ब्लैक करने के बाद मैं यहाँ पे एक चार्ट रखना चाहता हूँ, एक चार्ट शो करना चाहता हूँ, लाइन चार्ट शो करना चाहता हूँ, डेट वाइज। तो मैं डेट को यहाँ रखा और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ए को टोटल करके रख दिया, प्रोडक्ट बी रख दिया मैंने, प्रोडक्ट सी रख दिया, तीन प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट डी भी रख देता हूँ, प्रोडक्ट ई भी रख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ रखा। अभी देखिए ईयर वाइज आ रहा है ना, ये डेट था तो बाय डिफॉल्ट ईयरली ग्रुप होता है। अब मैंने इसको यहां से ड्रॉप कर दिया डाउन में, तो आपकी क्वार्टर भी आ गया और ड्रॉप किया तो हमारा मंथली आ गया। अब आ तो गया लेकिन सर उतना आ तो गया, बट वो इतना सही तरीके से विजुलाइज नहीं हो रहा ना सर। अच्छा, तो बैकग्राउंड की वजह से ब्लैक हमने किया हुआ है। हाँ, मतलब कि वो फीलिंग नहीं आ रही है ना, तो अभी आपने बताया था वैसा। हाँ, तो यहाँ पे चीजें करेंगे, जैसे कि मुझे सबसे पहले इसकी जो बैकग्राउंड व्हाइट है ना सर, दिखा होगा बैकग्राउंड व्हाइट, इसको हम हटा देंगे, हटा दिया। अब भी उतनी अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो टाइटल, तो टाइटल का जो कलर है ब्लैक, यहां पे फॉन्ट कलर में व्हाइट, ठीक है, समझे। उसके बाद आपका यहां पे डेटा, जो आपका डेटा लेबल है, डेटा लेबल ही चाहिए मुझे इसमें, एक्सिस है, एक्सिस है डेटा लेबल, मतलब इसके ऊपर नंबर डाल जाएंगे। इसकी कलर मैंने व्हाइट कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने वाई एक्सिस को लेते हैं, इसकी भी कलर मैं व्हाइट कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद इसमें कैटेगरी होगा, लेजेंड है, इसकी कलर मैं व्हाइट करता हूं, ठीक है। अब बेटर दिख रहा है ना सर? हाँ, अब बेटर लग रहा है। क्या? यस सर, राइट। तो ये सेटिंग जो है हम तभी कर पाते हैं। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर ब्लैक ना हो बट एक इमेज हो, ठीक है सर, कलर ब्लैक ना हो, इमेज हो। तो पेज ग्राउंड में आप यहां से ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और अपने लोकेशन पे चले जाए जहां आपने इमेज वगैरह रख रखा है,
अगर वो इमेज आपको पसंद आता है, जैसे कि मैंने की इमेज मुझे पसंद आया, तो मैं जाऊँगा, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बट प्रॉब्लम क्या हुआ, एक मिनट मैं हटाता हूँ, वापस एडमिन पे आता हूँ, और यहाँ हम ले लिया सर। अब एक प्रॉब्लम और आ रही है, जो पीछे की चीज है उसमें दिक्कत कर रही है, जो ट्रांसपेरेंसी, जो पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी है ना सर, उसको भी हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे उस तरह से आपका कलर अपना चेंज करते हैं। इमेज फिट अपना नॉर्मल है, इसमें फिट कर देंगे तो फिट हो जाएगा, अगर मैं यहाँ फिल करते हैं तो फिल हो जाता है, नॉर्मल साइज तो ये नॉर्मल साइज, ओके। ताकि आपका वॉलपेपर आता है, वॉलपेपर कलर मैंने ब्लैक कर दिया, यानी ब्लैक हो गया, इसकी ट्रांसपेरेंसी में 100% कर देता हूँ तो हट जाएगा, नीचे आ गया वॉलपेपर में सर, इसमें भी इमेज आए, अब मैं कलर की जगह मैं चाहता हूँ इसमें भी इमेज ऐड हो जाए, वॉल पे कोई इमेज ऐड नहीं हुआ, तो ये चीजें आप पेज की अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिल्टर बीम, फिल्टर बीम जो आता है इसकी बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए, फिल्टर कार्ड उसकी डायग्राम क्या होना चाहिए, तो सबकी यहाँ पे फॉर्मेटिंग पेज से देते हैं। तो एक तो है आप पेज से रिलेटेड जो चीजें आप कर सकते हैं, तो फॉर्मेटिंग भी बहुत सारे केसेस में इफेक्ट करती है, समझ रहे हैं सर? तो फॉर्मेटिंग को पूरा डिटेल में समझना जरूरी है, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ हर विजुलाइजेशन का फॉर्मेटिंग जो है वो अलग अलग होता है, टेबल की फॉर्मेटिंग अलग है, टेबल में मैट्रिक्स की फॉर्मेटिंग अलग है। जैसे मान लीजिए कि मैंने टेबल लिया, राइट, जो मैं कल बताया था आपको, यहाँ पे मान लीजिए मैंने डेट को रखा और मैंने प्रोडक्ट वन की सेल डाल, देख लो, ठीक है, क्या आगे रिपोर्ट सर? यस सर। अब इसमें अगर मैं करूं और मैं यहां से ये हटा देता हूं, मंथली कर देता हूं, अब इसमें मैं प्रोडक्ट को नीचे करूंगा तो इस तरह से सेल है। अब इसकी फॉर्मेटिंग में डालते हैं तो यहां पे अलग फॉर्मेटिंग, इसी को अगर मैं अगर सिलेक्ट कर लेता हूं मैट्रिक्स फॉर्मेट में तो यहां अलग फॉर्मेट होता है, समझे? तो इसमें आपको आप अपने हिसाब से देखेंगे तो जाकर आपको पता चलेगा कि आगे होता क्या है, ठीक है? अब इसमें हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में देखिए सब टोटल, सब टोटल मतलब कि जैसे यहां पे आपने क्वार्टर वन का 470 सब टोटल, जिसपे से करेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च का टोटल यहाँ दिखेगा, तो सब टोटल की फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, रो सब टोटल चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए हटा दीजिए, नहीं चाहिए नहीं आएगा, ठीक है, उसकी फॉर्मेटिंग उससे रिलेटेड चीजें अप्लाई लेबल्स, लेबल चाहिए आपको, ठीक है, नहीं चाहिए हटा दीजिएगा, उसी तरह से ग्रांड टोटल चाहिए, ग्रांड टोटल आएगा, तो हर किसी का फॉर्मेटिंग अपना होता है, चाहे पेज का हो अलग हो। तो तीन चीजें, दो चीजें जो इसकी बदलती है, पहली आपकी बदलती है फॉर्मेट, तीन चीज बदलती है इसमें, जैसे आप देख लीजिए इसमें सिर्फ आपको रोज है, यहाँ पे कॉलम्स है ना सर, एंड वैल्यू, तीन चीजें दिख रही है, और जैसे मैं टेबल सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक चीज दिखती है, वो है हमारी वैल्यू, इसमें रो कॉलम वगैरह नहीं दिखती, ओके सर। तो हर चीज में यहां आपको अलग अलग सेटिंग्स होते हैं, तो आप किसी एक सेटिंग को जान लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी सेटिंग्स को जान जाएंगे, ओके सर?